हाल ही के अंदर एक खबर आई है जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब ने चीन के साथ बड़ा धोखा कर लिया है। भारत का उभरता दोस्त सऊदी ऐन वक्त पर अपने फैसले से पलट गया और चीन अपना आपा खो बैठा है। दरअसल अर्जेंटीना के बाद चीन को सऊदी अरब से सबसे तगड़ा झटका लगा है। हाल ही के वर्षों में हमने देखा है कि मध्य पूर्व में खाड़ी देशों के साथ चीन अपनी अच्छी खासी सेटिंग जमा रहा है, लेकिन अब इस खबर के बाद चीन बुरी तरह से बौखला उठा है, उसको बड़ा झटका लगा है। वर्तमान दौर में हर कोई देश अपनी सेना को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी कोशिश में सऊदी अरब लगा है और चीन भी अपने हथियार मार्केट के लिए नए देश ढूंढ रहा है। अब यह जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह पूरी चीन के युद्धपोत 052D लुयांग 3 क्लास से जुड़ी है। दरअसल सऊदी अरब अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए चीन से एक युद्धपोत खरीदने वाला था। चीन भी अपनी चाल पूरी तरीके से सेट कर चुका था। अरबों डॉलर की सौदे को लेकर चीन पूरी तरह से आश्वस्त था, लेकिन ऐन वक्त पर सऊदी अरब ने चीन के इस ऑफर को ठुकरा कर यूरोपीय देश स्पेन के साथ डील कर ली। इसके बारे में चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब के पलटने के पीछे क्या वजह रही? क्या चीन के साथ सऊदी अरब सौदा करता तो उसको ज्यादा फायदा मिलता या फिर नहीं? अब दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सऊदी के इस सौदे से पीछे हटने के पीछे अमेरिका का हाथ था। अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से सऊदी को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। अमेरिका ने दबाव बनाया था कि अगर सऊदी ने चीन के साथ यह सौदा किया तो उसको अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अब यह भी सवाल है कि अमेरिका ने आखिर सऊदी अरब को यह युद्धपोत क्यों नहीं खरीदने दिया? तो इसका सीधा सा जवाब है, अमेरिका नहीं चाहता कि खाड़ी देशों में चीन की पेट बढ़े, चीन के हथियार खाड़ी देशों के पास पहुंचे, जिससे अमेरिकी हथियारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अमेरिका किसी उभरते देश को सैन्य ताकत बनते देखना नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका और सऊदी के रिश्ते काफी पुराने हैं। ऐसे में चीन का पैर जमाना उसे हजम नहीं हो रहा था। सऊदी ने जो स्पेन के साथ डील की है उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। स्पेन के युद्धपोत अगले 10 वर्षों में सऊदी नौसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। हालांकि चीनी हथियारों की क्वालिटी से सब कोई वाकिफ है, लेकिन रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है कि चीनी हथियारों से प्रभावित होकर सऊदी अरब ने चीन के 052D विध्वंसक जहाज पर अपनी नजरें गड़ाई थी। चीन के इस युद्धपोत पर अगर हम बात करें तो यह 7,500 टन वजनी 052D युद्धपोत लुयांग 3 क्लास विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। यह PLA का एक आधुनिक युद्धपोत है, जिसकी तुलना अमेरिकी नौसेना के अर्ले बर्क क्लास विध्वंसक से की जाती है। गाइडेड मिसाइलों से लैस इस युद्धपोत में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है। युद्धपोत का AES रडार इसकी निगरानी और ट्रैकिंग क्षमताओं को बहुत ही मजबूती के साथ बढ़ाता है। चीन का समर्पित बहुदेशीय विध्वंसक है जो विभिन्न मिस प्रोफाइल को संभालने में सक्षम है। अगर सऊदी अरब 052D हासिल कर लेता तो उसकी नौसैनिक ताकत के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो जाता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका ने सऊदी अरब को चीनी युद्धपोत खरीदने पर प्रतिबंध की भी धमकी दी थी। ऐसे में अगर सऊदी अरब चीन के साथ इस सौदे को कर दो, यह एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक परिवर्तन होता और अमेरिका का पुराना दोस्त चीन के हाथों में चला जाता। कमेंट में अपनी इसको लेकर राय जरूर बताएं। धन्यवाद।